सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। रामदास सुनीति यहाँ पर आ जाए। रामदास सुनीति जैसा कि माँ महेश्वरी पवित्र भूमि पर बड़ा ही सुंदर देखने को मिल रहा, आप सभी लोगों को माँ महेश्वरी विकास समिति देखती है। और ये मेरा यहाँ पर एक भिंड ऋषि थे और भिंड ऋषि की वजह से इस गांव का नाम भेड़ी पड़ा और उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। और 10 दिसंबर सन 2009 से माँ महेश्वरी विकास समिति के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि बम्बई से कारीगरों के द्वारा ये मंदिर का निर्माण आज भी निरंतर हो रहा है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के हेतु पीएसी बल और पुलिस बल और क्षेत्र से सर्किल से पूरे पुलिस बल आई हुई है, तो उसकी व्यवस्था सीओ साहब के नेतृत्व में और यहाँ पर जो प्रभारी निरीक्षक है अशोक कुमार उनके नेतृत्व में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। और ये सारी व्यवस्थाएं माँ महेश्वरी विकास समिति देखिए मुझ को लगा 21 आदमी ड्यूटी में विभिन्न विभिन्न जगह जहाँ इंस्पेक्टर साहब ने बताया वहाँ पर लगे हुए हैं। और जनपद पुलिस का भी बल लगा हुआ है, पी और होमगार्ड भी लगा हुआ है, महिला कांस्टेबल लगी हुई है और ट्रैफिक पुलिस भी लगी हुई है और सभी पोस्ट जो है मुख्य अधिकारी लगे हुए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बताए गए वहाँ पर सभी लगे। तो ये 51 सिद्धपीठों में 5वां सिद्धपीठ स्थान है। माता जी का बहुत सिद्ध स्थान है, इसमें देश और प्रदेश कई प्रांतों से माँ भक्त माँ महेश्वरी देवी जी के दर्शन करने के लिए निरंतर 12 मास आते जाते रहते हैं। नवरात्रि में चैत की बराबर यहाँ पर लाखों की, क्या कहें, 10 लाख की करीब भीड़ होती है। 10 लाख दर्शनार्थी मात्र नवमी को दर्शन करते हैं। प्रतिदिन तो
हजारों की संख्या में प्रतिदिन दर्शन करते हैं। और भी सच्चा दरबार है, सच्चे मन से सच्चे हृदय से जिसने भी मत्था टेका है, यहाँ करोड़ों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। बहुत ही सिद्ध स्थान है माता जी का।